ओके, प्रेजेंट एंटायर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है? इज स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन दिख रहा है? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई प्रेजेंटेशन। ओके, दिस इज माई प्रेजेंटेशन। ओके, दिस इज माई टाइटल स्लाइड। इज टाइटल स्लाइड विजिबल अपेक्षा? ओके, एम आई ऑडिबल क्लियरली? ओके, सो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक्स। टूडेज डेट इज 20th February। ओके, नो नाउ टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द हाइब्रिड पैरामीटर्स। इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर, थर्मल रनवे एंड बायोस्टेबिलिटी। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एम्पलीफायर, क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर्स, टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स एंड हाउ दे क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वॉट। ओके, वी विल स्टडी अबाउट द एम्पलीफायर। ओके, सो वॉट इज एम्पलीफायर? इसके पहले मैंने अभी बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर तुम फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर, तो तुम्हारा नॉलेज अपडेट होते जाता है और तुम्हारा नॉलेज की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, और तुम जब ग्रेजुएट हो जाओगे तो तुम्हारा नॉलेज एम्पलीफाई हो जाएगा। मतलब एम्पलीफिकेशन मतलब स्ट्रेंथ बढ़ना, किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ बढ़ना मतलब एम्पलीफिकेशन। ओके, सो एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर ऐसा डिवाइस होता है जो स्ट्रेंथ, सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या करता है, इन्हांस करता है, बढ़ाता है। वो सिग्नल करंट का सिग्नल हो सकता है, वो सिग्नल वोल्टेज का सिग्नल हो सकता है, ठीक है, वो सिग्नल तुम्हारा पावर का सिग्नल हो सकता है। कोई भी इनपुट सिग्नल, एसी इनपुट सिग्नल की जो स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ऐसे डिवाइस को, ऐसे सर्किट को एम्पलीफायर कहते हैं। ओके, दैट सर्किट और दैट डिवाइस इज कॉल्ड एम्पलीफायर। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डीजे शुरू है और तुम नाच रहे हो, तो डीजे में साउंड क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, इनपुट साउंड उतना नहीं होता, लेकिन इतने बड़े लाउड स्पीकर लगे रहते हैं, तो लाउड स्पीकर क्या करते हैं, साउंड को एम्पलीफाई करते हैं, तो दे एक्ट एज अ एम्पलीफायर। तो साउंड को जब एम्पलीफाई करते हैं तो साउंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, साउंड की स्ट्रेंथ जब बढ़ती है तब तुम्हें बहुत ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई आता है। तो साउंड की यूनिट क्या होती है? डेसीबल। साउंड को मेजर किस में करते हैं? डेसीबल। पहले इनपुट साउंड कम होता है, कम डेसीबल का, लाउड स्पीकर लगा के तुम साउंड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो, साउंड के सिग्नल को एम्पलीफाई करते हो, तो लाउड स्पीकर विल एक्ट एज अ एम्पलीफायर, तो तुम्हारा आवाज जो होता है वो लाउड आता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल एम्पलीफिकेशन का। वहां पे हम साउंड सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं या हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल को, मतलब करंट को, पावर को, वोल्टेज को, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई मतलब उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एम्पलीफायर। सो हम देखेंगे एम्पलीफायर मतलब क्या होता है, ठीक है। सो वॉट इज एम्पलीफायर? एम्पलीफायर इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिवाइस दैट कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इनपुट सिग्नल। दैट इनपुट सिग्नल मे बी वोल्टेज सिग्नल, करंट सिग्नल और पावर सिग्नल। यू नो इन इलेक्ट्रॉनिक्स पावर मीन्स वोल्टेज इंटू करंट, दैट इज पावर, वी इंटू आई इज पावर। ओके, डोंट कन्फ्यूज द पावर इन इलेक्ट्रॉनिक्स विथ पावर इन जनरल फिजिक्स। ओके, इन जनरल फिजिक्स पावर मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। ओके, तो वो पावर और इस पावर के साथ कंफ्यूज मत हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर मतलब वोल्टेज इनटू करंट, एम्पलीफायर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इनपुट सिग्नल। दैट इनपुट सिग्नल मे बी वोल्टेज, करंट और पावर एंड डिलीवर्स अ लार्जर आउटपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ की कंपैरिजन में आउटपुट सिग्नल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, बट जो वेव फॉर्म होता है इनपुट और आउटपुट सिग्नल का सेम होता है, बट बस क्या होता है कि स्ट्रेंथ बढ़ती है, ओनली स्ट्रेंथ। तो सपोज करो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं इनपुट सिग्नल की, कैसे एम्पलीफायर क्या करता है इनपुट सिग्नल को। एक्चुअली इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इसका मतलब एक्चुअली इनपुट सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करता है, इसका मतलब एक्चुअली इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ाता है,
ऐसे डिवाइस को एम्पलीफायर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एम्पलीफायर है, ये डब्बा मतलब एम्पलीफायर। सपोज करो ये येलो डब्बा मतलब एम्पलीफायर, ओके। एंड दिस इज इनपुट सिग्नल, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये इनपुट एसी सिग्नल है। एसी सिग्नल को हम ऐसे वेव फॉर्म में दिखाते हैं, ओके। एसी सिग्नल को हम ऐसे वेव फॉर्म में दिखाते हैं। ये है, हो गया हाफ साइकिल ऊपर की तरफ, हाफ साइकिल नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ हाफ साइकिल मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल, नीचे की तरफ हाफ साइकिल मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल मिला के बनता है सिग्नल वेव फॉर्म। ये हो गया इनपुट वेव फॉर्म। अगर ये इनपुट सिग्नल है, इसमें इस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफायर में देंगे, तो एम्पलीफायर इस इनपुट सिग्नल को इन्हांस करेगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। देखो अभी ये है आउटपुट सिग्नल, एम्पलीफायर ने क्या किया, इनपुट सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाया। इट मीन्स इट इन्हांसेस दी एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव फॉर्म। दिस वेव फॉर्म इज इनपुट सिग्नल, एसी इनपुट सिग्नल। एक हाफ ऊपर है हाफ सर, हाफ नीचे का हाफ है नेगेटिव, ऊपर का हाफ है पॉजिटिव। तो ये मिला के एक वेव बनता है, वेव फॉर्म बनता है, दैट इज कॉल्ड एसी इनपुट सिग्नल। इस एसी इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ भी बढ़ा है किसने, एम्पलीफायर ने। एम्पलीफाई किया तो क्या हो गया, देखो ये सिग्नल बड़ा हो गया। बड़ा हो गया मतलब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। पॉजिटिव हाफ में भी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, नेगेटिव हाफ में भी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो ऐसा डिवाइस जो इनपुट सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल करंट का भी हो सकता है, वोल्टेज का भी हो सकता है, पावर का भी हो सकता है। तो ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और आउटपुट देते हैं, ज्यादा बड़ा हुआ आउटपुट देते हैं, लार्जर आउटपुट डिलीवर्सल, लार्जर आउटपुट सिग्नल, दैट कॉल्ड एम्पलीफायर। सो ये हो गया एम्पलीफायर के बारे में, सिंपल वे में मैंने बताया व्हाट इज एम्पलीफायर, और एग्जाम्पल भी दे के मैंने बताया, ठीक है। सो दिस इज एम्पलीफायर। अब देखेंगे कि एम्पली सिग्नल्स कैसे होते हैं, एसी सिग्नल्स कैसे होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ एसी सिग्नल बताया कि पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ, ये मिला के पूरा एक एसी सिग्नल बन गया। तो पूरा एक एसी सिग्नल होता है ये 180, ये 180 होता है 360 डिग्री का, ये पूरा एसी सिग्नल होता है। एसी सिग्नल कितने डिग्री का होता है किसी ने पूछा, तो एसी सिग्नल होता है 360 डिग्री का, अगर कंप्लीट हाफ साइकिल है तो। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, ये हो गया 180, ये हो गया 180, सो ये टोटल सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी, टोटल सिग्नल का एंगल कितना होता है, डिग्री कितनी होती है, 360। तो अब हम पढ़ेंगे एसी सिग्नल्स क्या होता है, ठीक है, एसी सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने बताया कि फुल साइकिल है, हाफ साइकिल, और हाफ साइकिल टोटल जो होता है 360 डिग्री का। तो ये है, अगर ये फुल साइकिल है, हाफ साइकिल, और ये हाफ साइकिल, तो फुल साइकिल कितनी डिग्री की होती है, 360 डिग्री। सो दिस इज द एसी सिग्नल ऑफ फुल साइकिल हैविंग 360 डिग्री, ओके। अगर हाफ किया तो 180 डिग्री, ओके। तो हाफ साइकिल कितना होता है, 180 डिग्री का। तो ये फिगर देखो, हाफ साइकिल इज अबाउट 180। हाफ साइकिल क्योंकि देखो ये साइकिल ऐसी है, नीचे है क्या, कोई नहीं है, इसलिए ये हाफ ही हो गया। तो ये हाफ साइकिल 180 डिग्री, फिर से अगर एक साइकिल शुरू हो गया तो ये हाफ ही हो गया। तो हाफ पोर्शन वाली साइकिल, हाफ साइकिल एसी सिग्नल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। फुल साइकिल एसी सिग्नल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब मोर देन हाफ लेस देन फुल कितना होगा, ये देखो मोर देन हाफ बट लेस देन फुल, ये देखो यहां से है यहां तक हाफ, और यहां देखो सिग्नल कट ऑफ हो रहा है, ये जुड़ा हुआ है क्या, नहीं, तो इतना सिग्नल कम हो गया। सो इट इज हाफ बट इट इज नॉट कंप्लीटली एट द नेगेटिव हाफ, इट इज नॉट कंप्लीट एट द नेगेटिव हाफ बिकॉज सम सिग्नल हैज कट ऑफ, इतना क्या हो गया, कट ऑफ हो गया सिग्नल। सो दिस सिग्नल इज मोर देन 180 बट लेस देन 360, सो इट इज कॉल्ड मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल। सो दिस सिग्नल इज, दिस एसी सिग्नल इज मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल बिकॉज सम पोर्शन ऑफ द सिग्नल हैज कट ऑफ, ओके। सो दिस इज मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल। सो दिस सिग्नल इज फुल साइकिल सिग्नल ऑफ 360 डिग्री, दिस इज हाफ साइकिल सिग्नल ऑफ 180 डिग्री, दिस इज द सिग्नल मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल। इट मीन्स इट इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन
360 डिग्री. ओके, लास्ट सिग्नल है लेस देन हाफ साइकिल सिग्नल. लेस देन हाफ साइकिल मतलब देखो ये दो लाइंस है, तीन लाइंस, हाफ कहां तक था, हाफ, ये अगर ये लाइन के टच हो जाता तो हाफ सिग्नल था ये, यहां तक. देखो हाफ सिग्नल और लेस देन हाफ सिग्नल में क्या फर्क है, इसका एम्पलीट्यूड है हाफ से कम है, हाफ से कम है. यहां देखो इसका एम्पलीट्यूड हाफ तक है और इसका एम्पलीट्यूड हाफ से कम है, हाफ से कम है. ओके, हाफ से कम मतलब इट्स एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. तो ये सिग्नल क्या हो गया, लेस देन हाफ साइकिल. ओके, सो ये चार टाइप के सिग्नल्स मैंने बताया. एसी सिग्नल्स मैंने कैसे बताया, फुल साइकिल सिग्नल मतलब 360 डिग्री और कंप्लीट है, हाफ भी ऊपर वाला हाफ मतलब पॉजिटिव हाफ भी कंप्लीट है, नेगेटिव हाफ भी कंप्लीट है. तो फुल साइकिल मतलब 360 डिग्री, हाफ साइकिल मतलब सिर्फ हाफ के तरफ है, नीचे तो है ही नहीं ये वाला पोर्शन, हाफ ही पोर्शन है. तो हाफ साइकिल सिग्नल मतलब 180 डिग्री. मोर देन हाफ साइकिल सिग्नल, कुछ नीचे वाला कुछ पोर्शन का सिग्नल कट ऑफ है. मोर देन हाफ साइकिल सिग्नल मतलब क्या होगा, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. और लेस देन हाफ साइकिल मतलब ये पूरा लाइन के साथ टच में नहीं है, नीचे है थोड़ा एम्पलीट्यूड, हाफ साइकिल से कम है, हाफ साइकिल से कम है मतलब उसका एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा. तो ये चार एसी सिग्नल्स के बारे में बताया. इसी एसी सिग्नल का यूज करके मैं एम्पलीफायर के क्लासिफिकेशन बताऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो है, ठीक है. तो जो एम्पलीफायर्स है उसके क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्राइटेरियाज है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ ऑपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग. ये चार पैरामीटर्स है जो एम्पलीफायर्स को हम क्लासीफाई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एम्पलीफायर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया we can classify the amplifiers on the basis of mode of operation, on the basis of frequency, on the basis of coupling, or on the basis of mode of operation, on the basis of coupling, or on the basis of their use we can classify the amplifiers. ओके, सो देखो अभी क्लासिफिकेशन सिस्टम मैं बता रहा हूँ कैसे क्लासिफाई करते हैं एम्पलीफायर्स को, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लास एम्पलीफायर क्लासिफिकेशन. सो देखो एम्पलीफायर्स को क्लासिफाई करने के मतलब टाइप्स क्या है, डिपेंड क्राइटेरिया क्या है क्लासिफाई करने के एम्पलीफायर्स के, मैं अभी बताने जा रहा हूँ. सुनो ठीक से, ध्यान लगा के देखो स्लाइड्स की तरफ. सो एम्पलीफायर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूज, मोड ऑफ ऑपरेशन, फ्रीक्वेंसी रेंज एंड मेथड ऑफ देयर कपलिंग, इंटरस्टेज कपलिंग. इंटरस्टेज कपलिंग मतलब क्या होता है कि एक एम्पलीफायर है उसको जोड़ दिया दूसरे एम्पलीफायर के साथ, इसका इनपुट इसके आउटपुट में जा रहा है, इसका आउटपुट इसके इनपुट में जा रहा है, तो वो कपल करके हम एक दूसरे एम्पलीफायर्स को जोड़ जोड़ के कपलिंग बनाते हैं. तो उस कपलिंग के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है एम्पलीफायर्स का. सो एम्पलीफायर्स को क्लासिफिकेशन करने के 1, 2, 3, 4 क्राइटेरिया है. पहले ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरस्टेज कपलिंग. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज कौन कौन से एम्पलीफायर्स क्लासिफाई कैसे करते हैं, मतलब उसके यूज के हिसाब से, एम्पलीफायर का यूज कहाँ करना है उसके यूज के हिसाब से एम्पलीफायर्स कितने टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं. जनरली दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ए मतलब वोल्टेज एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर. ओके, मतलब यूज के बेसिस पे वोल्टेज एम्पलीफायर मतलब वोल्टेज के सिग्नल को बढ़ाने वाला एम्पलीफायर, दैट इज वोल्टेज एम्पलीफायर. एसी वोल्टेज के सिग्नल को बढ़ाता है, वोल्टेज एम्पलीफायर. पावर के सिग्नल को बढ़ाने वाला एम्पलीफायर मतलब पावर एम्पलीफायर. पावर मतलब क्या होता है, करंट इंटू वोल्टेज, उस सिग्नल को बढ़ाने वाले एम्पलीफायर को पावर एम्पलीफायर कहते हैं. करंट एम्पलीफायर मतलब करंट सिग्नल, एसी करंट सिग्नल्स को बढ़ाने वाले एम्पलीफायर को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले एम्पलीफायर को करंट एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स, वोल्टेज एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर एंड करंट एम्पलीफायर. ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर. क्या है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे 2 टाइप के एम्पलीफायर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर. ऑडियो फ्रीक्वेंसी मतलब जो हम सुन सकते हैं,
ठीक है, ऑडियो मतलब जो हमें सुनाई देता है, ठीक है, हमें कोई भी फ्रिक्वेंसी के वेव सुनाई नहीं देते, हमको जो सुनाई देते हैं वो वेव्स कौन से होते हैं, ऑडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स, ठीक है। तो हमें 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी रेंज वाले साउंड वेव सुनाई में देते हैं, सो दैट इज ऑडियो फ्रिक्वेंसी। तो इस फ्रिक्वेंसी रेंज में जो एम्पलीफायर काम करता है उसे बोलते हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। द एम्पलीफायर विच वर्क्स इन ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज दोज एम्पलीफायर आर कॉल्ड ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स। ओके, तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ओके, तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज की रेंज में जो काम करते हैं एम्पलीफायर्स, दे आर कॉल्ड फ्रिक्वेंसी रेंज, दे आर कॉल्ड ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, दे आर कॉल्ड ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। इट मीन्स दैट ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर वर्क्स इन द फ्रिक्वेंसी रेंज दैट कम्स अंडर द ऑडियो फ्रिक्वेंसी। ओके, सो ये हो गया ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। फिर है रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर मतलब ऐसे एम्पलीफायर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज में काम करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज तुम एफएम सुनते होंगे या रेडियो तुमने कभी सुना होगा, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज मेगा हर्ट्ज में होती है, ठीक है। सो मेगा हर्ट्स फ्रिक्वेंसी रेंज में जो एम्पलीफायर्स काम करते हैं, मेगा हर्ट्स मतलब 10 to the power 6 हर्ट्स। ओके, तो मेगा हर्ट्स फ्रिक्वेंसी रेंज में जो काम करते हैं एम्पलीफायर्स उसको बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में काम करते हैं। तो ये हो गया ऑडियो, वो हो गया रेडियो। तो फ्रिक्वेंसी रेंज के बेसिस पे दो टाइप के, यूजेस के बेसिस पे तीन टाइप के, ठीक है। अब हो गया इंटर स्टेज कपलिंग, मतलब एक स्टेज एम्पलीफायर की दूसरे स्टेज के साथ, जैसे हमने सिंगल स्टेज एम्पलीफायर पढ़ा था, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। एक ही स्टेज अब बहुत सारे एम्पलीफायर जोड़ दिया और इंटर स्टेज कपलिंग कर दिया, तो कपलिंग के बेसिस पे एम्पलीफायर को क्लासीफाई, ये इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट, बिकॉज ये एम्पलीफायर हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, आरसी कपल्ड, ओके, एम्पलीफायर्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरी जो क्राइटेरिया है, तीसरा जो क्राइटेरिया है इंटर स्टेज कपलिंग के बेसिस पे क्लासिफाई किस टाइप से करते हैं एम्पलीफायर्स को, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। इसके टाइप्स क्या होता है, क्या होते हैं, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, एलसी कपल्ड एम्पलीफायर। इसमें से आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, तो इंटर स्टेज कपलिंग के बेसिस पे चार टाइप से, आरसी मतलब आर हो गया रेजिस्टेंस, सी हो गया कैपेसिटेंस। सो आर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन से कपलिंग से जो एम्पलीफायर बनता है दैट इज कॉल्ड आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर दिखता कैसे है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का वर्किंग क्या है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के पैरामीटर्स क्या है, ये सब देखेंगे, ये कोर्स में है हमारे, ठीक है। बी होता है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, मतलब एक दूसरे के ट्रांसफॉर्मर जोड़ के कपल करके जो एम्पलीफायर बनता है दैट इज ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। फिर डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर भी के एग्जांपल भी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, जो डायरेक्ट कपलिंग से एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर से जोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल कैस्केड एम्पलीफायर, ठीक है। ये सारे एम्पलीफायर, कैस्केड एम्पलीफायर भी हमारे कोर्स में है, वो हम देखेंगे आगे। एक फिर लास्ट में क्या है, एलसी कपल्ड एम्पलीफायर। एल मतलब क्या होता है, इंडक्टर, सी मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो इंडक्टर और कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन से जो एम्पलीफायर्स बनते हैं, जो कपल करके बनते हैं, दैट इज एलसी कपल्ड एम्पलीफायर। ओके, सो तीन टाइप्स के बेसिस पे, यूज के बेसिस पे तीन टाइप के एम्पलीफायर, फ्रिक्वेंसी रेंज के बेसिस पे दो टाइप के एम्पलीफायर, कपलिंग के बेसिस पे चार टाइप के एम्पलीफायर्स होते हैं, आरसी कपल्ड, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, डायरेक्ट कपल्ड और एलसी कपल्ड। और चौथी एक इंपॉर्टेंट क्लास है मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब हम ऑपरेशन मतलब सर्किट का ऑपरेशन कर रहे हैं या ऑपरेटिंग पॉइंट मैंने पढ़ाया था ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग पॉइंट के बेसिस पे, मोड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे और एक क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, वो हमारा इंपॉर्टेंट है, वो हर एग्जाम में आता है। मोड ऑफ ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट के बेसिस पे जो एम्पलीफायर क्लासिफाई होते हैं, उन एम्पलीफायर्स को चार कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी। ओके, तो ये एम्पलीफायर्स के क्लासिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे तुम्हारे जो कोर्स में जनरल प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीफायर क्लासिफिकेशन में, मोड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे जो एम्पलीफायर क्लासिफाई किए जाते हैं, मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट के बेसिस पे जो जो एम्पलीफायर क्लासिफाई किए जाते हैं, ये कोर्स में है,
ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देयर आर फोर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूज, वोल्टेज करंट एंड पावर एम्पलीफायर, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरस्टेज कपलिंग, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ओके डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, एलसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरस्टेज कपलिंग, और चौथा जो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्यू पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। चार क्लासेस में डिवाइड करते हैं एम्पलीफायर्स को, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी। और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है नंबर फोर का, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और यही हमारे कोर्स में नंबर फोर ऑपरेशन, ठीक है। नंबर थ्री के हम आरसी कपल्ड पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन नंबर फोर में ये क्लासिफिकेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है। और मोड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे, क्यू पॉइंट के बेसिस पे, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर के बेसिस पे चार टाइप से क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी। अब देखेंगे क्लास ए एम्पलीफायर्स किस तरीके से सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और कैसे सिग्नल्स देखते हैं, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी, ठीक है। तो क्लास ए एम्पलीफायर को हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास ए को देखेंगे, फिर क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी को देखेंगे। सो क्लास ए में देखेंगे कि क्लास ए एम्पलीफायर्स का पिक्चर कैसे दिखता है, मतलब उसका जो आउटपुट ग्राफ होता है वो कैसे आता है और किस तरीके के सिग्नल वो देता है, ठीक है। क्लास ए एम्पलीफायर देखेंगे किस तरीके के सिग्नल वो देता है, ठीक है। तो ये कंसिडर करो, ये ग्राफ है, वाई एक्सिस पे क्या है, आउटपुट करंट मतलब कलेक्टर करंट, उसका यूनिट क्या है, मिली एम्प्स में, ओके मिली एम्पियर। और एक्स एक्सिस पे क्या है, इनपुट वोल्टेज दैट इज वीसीई, उसका यूनिट क्या है, वी वोल्ट, वोल्ट, ठीक है। सो ये वीसीई हो गया और वाई एक्सिस पे हो गया आईसी, मतलब आउटपुट करंट हो गया वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हो गया आउटपुट वोल्टेज। तो अभी देखेंगे कि इस क्लास से एम्पलीफायर्स में सिग्नल किस तरीके से एम्पलीफाई करता है, ठीक है। और ये पकड़ लो, यहां से यहां तक जो आई है दैट इज कॉल्ड लोड लाइन, वो हमने लोड लाइन, डीसी लोड लाइन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये एसी लोड लाइन इसको मैं बोल रहा हूं, बिकॉज ये जो एम्पलीफायर का जो क्लास है, जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी, ये एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, इसलिए इस लाइन को मैं एसी लोड लाइन बोल रहा हूं। हमने डीसी लोड लाइन पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, दैट वर्क्स ऑन डीसी सिग्नल, और उस वक्त एसी सिग्नल जीरो था तब, जब हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। लेकिन यहां हम इसको मैं एसी लोड लाइन बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैं एसी सिग्नल की बात कर रहा हूं, इसलिए इस लाइन को मैं एसी लोड लाइन बोलूंगा, ओके। सो ये हो गया एसी लोड लाइन, ओके। और ये हो गया क्यू, क्यू मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर, और ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है, जो भी एम्पलीफायर्स है, बिकॉज यहाँ हम एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, तो एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर के बिना अधूरा है, एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर सर्किट से ही बनते हैं, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर उसमें होता है, ओके। सो ये एसी लाइन है, ओके, तो एसी लाइन का ये है ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू, ओके, क्यू ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ये तीन लाइन मैंने ड्रॉ किया, अभी देखो सिग्नल क्या है। अब देखो ये आईसी क्या है, आउटपुट करंट, वीसी क्या है, आउटपुट वोल्टेज, मतलब यहां पे जो भी हमको सिग्नल मिलेगा वो आउटपुट सिग्नल रहेगा, यहां पे हम इनपुट सिग्नल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये ग्राफ जो है आउटपुट करंट का और आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ है, तो यहां सिर्फ हम आउटपुट सिग्नल की बात कर रहे हैं, यहां हम इनपुट सिग्नल की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस ग्राफ इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट, और आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज, या आउटपुट वोल्टेज है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आउटपुट करंट है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां जो आउटपुट सिग्नल मिलेंगे, यहां देखो वाई एक्सिस पे जो सिग्नल रहेगा वो रहेगा एसी सिग्नल ऑफ करंट, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे जो भी सिग्नल रहेगा दैट इज द सिग्नल ऑफ एसी वोल्टेज। तो ये वीसीई मतलब ये आउटपुट वोल्टेज है एसी वोल्ट, यहाँ पे आईसी मतलब आउटपुट करंट है एसी करंट। सो यहाँ पे जो भी सिग्नल्स होंगे वो एसी सिग्नल्स होंगे, ठीक है। तो देखो क्लास ए एम्पलीफायर्स में आउटपुट करंट सिग्नल कैसे दिखता है और आउटपुट वोल्टेज सिग्नल कैसे दिखता है, तो देखो इस तरीके से आउटपुट करंट सिग्नल क्या देखता है, कैसे दिखता है, फुल फुल साइकिल
कलेक्टर करंट वेव फॉर्म। तो ये वेव फॉर्म है, ये वेव के टर्म्स में है ना, ये वेव का जैसा इसका पिक्चर है, ये वेव के जैसा है ये। सो आउटपुट करंट सिग्नल कैसे दिखता है, फुल वेव, मतलब फुल साइकिल, फुल वेव। और वैसे ही आउटपुट कलेक्टर वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसे दिखता है, फुल सिग्नल। सो क्लास ए एम्पलीफायर्स में आउटपुट सिग्नल क्या होता है, फुल साइकिल के लिए होता है, फुल साइकिल के लिए। करंट का सिग्नल भी फुल साइकिल के लिए, वोल्टेज का सिग्नल भी फुल साइकिल के लिए होता है क्लास ए एम्पलीफायर में। सो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आईसी मैक्सिमम, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव हाफ में है और ये नेगेटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, और ये पॉजिटिव साइकिल में यहाँ का जो पॉइंट होता है यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, आईसी मैक्स, मतलब यहाँ मैक्सिमम करंट होगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ जो होता है एकदम, यहाँ जो होता है मिनिमम पॉइंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलूंगा मैं, आईसी मिनिमम। ओके, यहाँ होता है आईसी मैक्सिमम, यहाँ होता है आईसी मिनिमम, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो यहाँ होता है मैक्सिमम वैल्यू होती है या एम्पलीट्यूड की आईसी मैक्स, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ मिनिमम वैल्यू होती है, इसलिए इसको मैं आईसी मिनिमम, यहाँ पे आईसी मैक्सिमम। सो यहाँ पे क्लास ए एम्पलीफायर जो आउटपुट देता है वो आउटपुट फुल साइकिल के लिए देता है, आधा आधा साइकिल है क्या, नहीं फुल साइकिल है, ये हाफ पोर्शन और ये हाफ पोर्शन, मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब फुल साइकिल। सो क्लास ए टाइप के एम्पलीफायर्स में हमको जो आउटपुट सिग्नल मिलते हैं करंट के या फिर वोल्टेज के, वो फुल साइकिल के लिए होते हैं। इट मीन्स दैट वी आर गेटिंग द आउटपुट फॉर फुल साइकिल। सो ये कलेक्टर करंट का जो सिग्नल है, वेव फॉर्म है, वो फुल साइकिल के लिए। यहाँ कलेक्टर वोल्टेज मतलब VCE, कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज का जो सिग्नल है वो भी फुल साइकिल के लिए है। यहाँ पे VCE नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव साइकिल है, VC मिनिमम हो गया, पॉजिटिव है तो VCE मैक्सिमम हो गया। सो क्लास ए एम्पलीफायर में हमको जो भी आउटपुट सिग्नल मिलेंगे वो आइदर करंट के रहो या वोल्टेज के रहो, वो फुल साइकिल के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो क्लास ए में फुल साइकिल के लिए सिग्नल मिलेंगे हमको। ओके, सो इन क्लास ए एम्पलीफायर्स आउटपुट इज फॉर कंप्लीट और फुल साइकिल और एंटायर साइकिल। वी गॉट और वी आर गेटिंग द आउटपुट इज फॉर कंप्लीट साइकिल, फुल साइकिल, एंटायर साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलके एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो जो एसी इनपुट एसी आउटपुट सिग्नल है, एसी करंट आउटपुट सिग्नल है, वी आर गेटिंग फॉर फुल साइकिल, हमें पूरा फुल साइकिल के लिए मिल रहा है, साथ साथ में आउटपुट वोल्टेज का सिग्नल भी फुल साइकिल के लिए मिल रहा है। सो द इन क्लास ए एम्पलीफायर वी गॉट और वी आर गेटिंग द आउटपुट सिग्नल फॉर एंटायर साइकिल और फॉर कंप्लीट फुल साइकिल। तो ये हो गया क्लास ए के बारे में। क्लास ए में हमें फुल साइकिल के लिए इनपुट, फुल साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे क्लास बी। क्लास बी में क्या होगा, क्लास बी में हमको सिर्फ हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा, फुल साइकिल के लिए नहीं मिलेगा। ओके, इन क्लास बी, तो देखो अभी मैंने क्लास ए बताया, क्लास ए में ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे होता है। सो ये जब हम पढ़ रहे हैं मोड ऑफ ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट, सो हम ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, तो यहाँ देखो ये ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ था एग्जैक्टली मिडल ऑफ द लोड लाइन, ये लोड लाइन के एग्जैक्टली मिडल पार्ट में था ऑपरेटिंग पॉइंट। अब ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्लास ए बी में क्या होगा, नीचे सरक जाएगा यहाँ पे। सो क्लास बी का क्लासिफिकेशन जो होगा उसमें देखो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया एकदम नीचे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सो यहाँ सेम देखो, ये आईसी है वाई एक्सिस पे, वीसी है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ जो आया है नीचे आया एकदम ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ। सो हमको जो आउटपुट मिलेगा क्लास बी में वो विल गेट द आउटपुट ओनली फॉर हाफ साइकिल। तो ये देखो हाफ साइकिल है, नीचे वाली साइकिल तो है ही नहीं, मतलब सिर्फ पॉजिटिव साइकिल है, फिर यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइकिल है, नीचे वाली साइकिल है क्या, नेगेटिव साइकिल नहीं। सो वी गॉट और वी आर गेटिंग द आउटपुट सिग्नल और आउटपुट वेव फॉर्म ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ओनली हाफ साइकिल। सो आउटपुट इज फॉर ओनली हाफ साइकिल। सो इसमें क्या हो गया, ऑपरेटिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पे शिफ्ट हो गया, ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ शिफ्ट होने के कारण, मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन के बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हुआ, इसका मतलब हाफ जो नीचे वाला जो हाफ सिग्नल था वो कट ऑफ हो गया, कट हो गया वो, ठीक है। तो ओनली अपने को आउटपुट कौन सा मिल रहा है,
पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ओनली वी आर गेटिंग द आउटपुट फॉर हाफ साइकिल, ओनली वी आर गेटिंग द आउटपुट सिग्नल फॉर कलेक्टर करंट, ओनली वी आर गेटिंग द आउटपुट सिग्नल फॉर कलेक्टर करंट फॉर हाफ साइकिल, फॉर वोल्टेज के लिए भी हमें हाफ साइकिल पे ही सिग्नल मिल रहा है, वी आर गेटिंग द सिग्नल फॉर कलेक्टर वोल्टेज ओनली फॉर हाफ साइकिल। इसका मतलब बी क्लास बी एम्पलीफायर में जो आउटपुट मिलता है वो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए मिलता है, क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट नीचे शिफ्ट हो जाता है एंड ऑपरेटिंग पॉइंट इज ऑन दी एक्स एक्सिस, उसके वजह से जो नीचे वाला हाफ साइकिल है वो कट ऑफ हो जाता है, ओनली ऊपर वाला जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है। सो वी आर गेटिंग द आउटपुट सिग्नल फॉर करंट एज वेल एज फॉर वोल्टेज एट वोल्टेज फॉर ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल और ओनली फॉर हाफ रीजन, नीचे के रीजन में नहीं मिल रहा है। सो डिफरेंस क्या है क्लास ए और क्लास बी में? क्लास ए में क्या मिल रहा था हमें? फुल साइकिल के लिए सिग्नल मिल रहे थे, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। यहाँ क्लास बी में हमें सिर्फ हाफ साइकिल के लिए इनपुट आउटपुट मिल रहा है, सिर्फ हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास ए एंड क्लास बी। सो हमने पढ़े क्लास ए में फुल सिग्नल मिलता है एंटायर साइकिल के लिए, क्लास बी में सिर्फ हाफ साइकिल के लिए सिग्नल मिलता है, आउटपुट सिग्नल आइदर दैट आउटपुट सिग्नल ऑफ कलेक्टर वोल्टेज और कलेक्टर करंट। ठीक है, तो ये हो गया क्लास ए और क्लास बी। अब देखेंगे क्लास ए बी में क्या डिफरेंस है। क्लास ए में क्या हो रहा था हमें? फुल साइकिल के लिए सिग्नल मिल रहा था, क्लास बी में हमें हाफ साइकिल के लिए सिग्नल मिल रहा था। लेकिन क्लास ए बी में क्या होगा? मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल वाला सिग्नल मिलेगा हमको आउटपुट में। वी विल गेट द सिग्नल, वी विल गेट द आउटपुट सिग्नल फॉर करंट एज वेल एज फॉर वोल्टेज फॉर मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल। वी विल गेट द सिग्नल ऑफ हैविंग एम्पलीट्यूड मोर देन हाफ साइकिल एंड लेस देन फुल साइकिल। तो देखो इसका सिग्नल कैसे रहेगा और यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ रहेगा? यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट एक्स एक्सिस के थोड़ा ऊपर रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ होने के कारण देखो ये दो ये जो तीन लाइंस है 1 2 3, ये तीन लाइंस में गैप क्या है? गैप इक्वल है क्या? नहीं है। ये गैप इक्वल नहीं होने के कारण क्या होगा? थोड़ा सा जो नीचे का सिग्नल कट ऑफ हो जाएगा। नीचे का सिग्नल कट ऑफ हुआ मतलब यहाँ इतना पोर्शन कट हुआ, सो वी विल गेट द सिग्नल फॉर मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल। तो इतना यहाँ पे इतना कट हुआ, इतना सिग्नल कट ऑफ हुआ, वैसे ही आउटपुट वोल्टेज में भी इतना सिग्नल कट ऑफ हुआ। तो इतना सिग्नल कट ऑफ हुआ, इसका मतलब वी आर गेटिंग द सिग्नल फॉर मोर देन हाफ साइकिल। ये देखो यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल, यहाँ पे इतना सिग्नल हमको मिल रहा है, इतना और इतना, इतना गायब है यहाँ से, इतना डिसिपियर है। इसका मतलब वी आर गेटिंग द सिग्नल फॉर मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल। फुल साइकिल से कम मिल रहा है क्योंकि इतना पोर्शन कट है, लेकिन हाफ से ज्यादा है, ठीक है, हाफ से ज्यादा, आधे से ज्यादा और कंप्लीट से कम। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है इज फॉर मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल। ओके, सो दिस एम्पलीफायर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लास ए बी एम्पलीफायर। सो क्लास ए बी एम्पलीफायर में दोनों आउटपुट सिग्नल होते हैं वो हमको मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल के लिए मिलते हैं। आइदर दे सिग्नल ऑफ कलेक्टर करंट और कलेक्टर वोल्टेज के सिग्नल्स हो या वेव फॉर्म्स हो। हमको यहाँ देखो यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ यहाँ आई सी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, लेकिन मिनिमम वैल्यू कट ऑफ हो रही है, इतना सिग्नल कट हो रहा है, इतना सिग्नल यहाँ कट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो इन आउटपुट करंट या आईसी क्या आउटपुट करंट और वीसी क्या आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के जो भी सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं, आउटपुट सिग्नल्स मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं हमको मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल, क्योंकि नीचे की साइकिल जो है हाफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है, इतना जो पोर्शन है वो कट ऑफ हो रहा है, इतना पोर्शन कट ऑफ हो रहा है। तो इसके वजह से हमको फुल सिग्नल नहीं मिल रहा है, हमको जो सिग्नल मिल रहा है वो मोर देन हाफ बट लेस देन फुल। सो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है जस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है थोड़ा सा, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, नीचे वाला सिग्नल कट ऑफ हो जाता है, इतना कट हो जाता है। सो वी आर गेटिंग द सिग्नल मोर देन हाफ बट लेस देन
फुल साइकिल। ओके, सो क्लास ए बी में क्या डिफरेंस है, क्लास ए में क्या था, कंप्लीट साइकिल के लिए मिल रहा था, क्लास बी में हाफ साइकिल के लिए मिल रहा था सिग्नल, और क्लास ए बी में मोर देन हाफ बट लेस देन फुल साइकिल के लिए हमें सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट है, देखो ये लोड लाइन, लोड लाइन पे जो पॉइंट होता है उसे ऑपरेटिंग पॉइंट करते थे। लास्ट बी क्लास में ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ था, अभी ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट होने की वजह से हमको जो सिग्नल है नीचे का सिग्नल कट हो रहा है। ओके, और जहां पे देखो यहाँ पे इस पॉइंट को, जहां लोड लाइन यहाँ पे इंटरैक्ट करती है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कलेक्टर कट ऑफ पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ही वोल्टेज कट हो रहा है, देखो ये पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट पे आऊंगा तो इस पॉइंट पे वोल्टेज कट हो रहा है नीचे का। ठीक है, और ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ है, तो हमको जो सिग्नल मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेटिंग पॉइंट, दिस वी आर गेटिंग दिस सिग्नल, बट दिस सिग्नल इज नॉट कंप्लीट सिग्नल, दिस सिग्नल इज कट ऑफ फ्रॉम हियर, दिस सिग्नल इज कट ऑफ फ्रॉम हियर, दैट्स व्हाई दिस सिग्नल इज फॉर मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल। सो दिस इज क्लास ए बी टाइप ऑफ एम्पलीफायर इन विच वील गेट द आउटपुट सिग्नल फॉर मोर देन हाफ बट लेस देन फुल साइकिल। तो वो सिग्नल करंट का रहो या वोल्टेज का रहो, मोर देन हाफ साइकिल या आउटपुट सिग्नल की बात कर रहे हैं, बस ध्यान में रखो इनपुट हमारा कभी भी कंप्लीट सिग्नल ही रहेगा, लेकिन आउटपुट जो मिल रहा है उसको बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ये तीन टाइप्स के, चार टाइप्स के एम्पलीफायर्स, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी आगे पढ़ेंगे। सो ये चारों के चारों एम्पलीफायर्स ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट सिग्नल के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, इनपुट के सिग्नल के बेसिस पे एम्पलीफायर क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट तो हम पूरा देते हैं, इनपुट तो हम पूरा फुल साइकिल देते हैं, तो आउटपुट में क्या मिल रहा है उस बेसिस पे हम एम्पलीफायर को क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर आउटपुट में जितना इनपुट हमने दिया फुल साइकिल, फुल का फुल मिल गया, सो क्लास ए एम्पलीफायर, फुल दिया और हाफ मिला तो क्लास बी एम्पलीफायर, फुल दिया और हाफ से ज्यादा और फुल से कम मिला तो क्लास ए बी एम्पलीफायर, ओके, और लेस देन हाफ मिला तो क्लास सी एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां हम बस इसमें ध्यान रखो कि यहां हम सिर्फ आउटपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनपुट सिग्नल हमेशा फुल सिग्नल होता है, कंप्लीट साइकिल वाला सिग्नल होता है इनपुट का। यहां हम आउटपुट के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं एम्पलीफायर्स को, आउटपुट पूरा का पूरा मिला कंप्लीट साइकिल तो ए, क्लास ए, हाफ मिला तो क्लास बी, हाफ से ज्यादा और फुल से कम मिला तो क्लास ए बी, और अब देखेंगे क्लास सी, क्लास सी मतलब लेस देन हाफ, हाफ से भी कम, और अगर आउटपुट हमें हाफ से भी कम मिला तो वो होगा क्लास सी एम्पलीफायर। सो लास्ट क्लासिफिकेशन में क्लास सी एम्पलीफायर देखेंगे, क्लास सी एम्पलीफायर मतलब लेस देन हाफ। तो ये देखो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये देखो वहाँ यहाँ पे था ऑपरेटिंग पॉइंट ए बी में, यहाँ था, सॉरी बी में यहाँ था, ए बी में यहाँ था, ए में यहाँ था, ए में एकदम मिडल में था, बी में कहाँ चला गया था, यहाँ पे, सी में कहाँ था, यहाँ पे, अब ए में कहा था एकदम मिडल में, ठीक है, बी में कहा था यहाँ पे, ठीक है, ए बी में कहा था यहाँ, और सी में कहा चला गया, यहाँ एक्स एक्सिस से लोड लाइन के दूर चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ शिफ्ट होने के कारण हमको जो सिग्नल मिलेगा वो देखो हाफ सिग्नल तो दिख रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ पे लाइन्स कितने हैं, 1 2 3 लाइन्स है, तो हाफ सिग्नल मतलब यहाँ से शुरू होना चाहिए था, यहाँ से शुरू होके यहाँ आना चाहिए था कंप्लीट यहां तक। ठीक है, यहां से शुरू होके, क्योंकि ये ऑपरेटिंग पॉइंट वाला मतलब बीच वाली लाइन होगी, ये वाली, ये लाइन देखो वोल्टेज की तरफ लाइन देखो बस, तो ये वाली लाइन होगी, तो हमको अगर हाफ सिग्नल चाहिए था तो ये पूरी लाइन कवर करनी चाहिए थी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो पूरा हाफ सिग्नल हो जाता, और पूरा फुल सिग्नल के लिए यहां पे ऐसे कवर करनी चाहिए थी, तो टोटल सिग्नल कैसे होता, यहां से ऐसे आके ऐसे आता, देखो यहां से मेरा माउस का एरो देखो ऐसे आके ऐसे आता तो फुल सिग्नल होता, सॉरी। ठीक है, सो हमारा सिग्नल अगर यहां से, ये देखो ऑपरेटिंग पॉइंट यहां है, बीच वाली लाइन यहां है, और हमारा सिग्नल अगर यहां से ऐसे आके यहां तक कंप्लीट करता तो हाफ हो जाता टोटल। ठीक है, तो ये हाफ ना होके हाफ से कम हो रहा है। ठीक है, यहां से ऑपरेटिंग पॉइंट से शुरू हुआ क्या, नहीं हुआ ऑपरेटिंग पॉइंट से शुरू, तो यहां से अगर ये ऑपरेटिंग पॉइंट वाली लाइन है, देखो ये वाली लाइन, अगर यहां से सिग्नल शुरू होके इसी लाइन पे एंड हो जाता तो हाफ हो जाता, लेकिन ये हाफ से भी कम है। ठीक है, सो दिस इज आउटपुट इज लेस देन हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल का पॉइंट यहां पे है। ठीक है, ये जो लाइन है वो मिडल वाली लाइन है, सपोज करो तो ये मिडल वाली लाइन है, तो ये अगर हमारा सिग्नल यहां से शुरू होके इस मिडल वाली लाइन पे खत्म होता तो हाफ सिग्नल उसको बोलते, लेकिन वो हाफ से भी कम है,
तो ये सिग्नल यहां से शुरू हो गया, यही पे खत्म हो गया। सो हाफ से कम, वही इसी रीजन में देखो, तो यहां से कम होकर यहां पे खत्म हो गया और ऑपरेटिंग पॉइंट तो नीचे है, ठीक है। अगर यहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट यहां होता तो उसको हाफ साइकिल बोलते हैं हम, लेकिन ऑपरेटिंग पॉइंट यहां है तो हमारा हाफ सिग्नल कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये जो सिग्नल है वो लेस देन हाफ साइकिल है। सो आउटपुट सिग्नल इज लेस देन हाफ साइकिल, लेस देन वन हाफ साइकिल। इफ वी गेट द आउटपुट सिग्नल फॉर लेस देन वन, लेस देन हाफ साइकिल, देन दिस क्लास ऑफ एम्पलीफायर कॉल्ड क्लास सी एम्पलीफायर। सो क्लास सी एम्पलीफायर में आउटपुट इज लेस देन वन हाफ साइकिल। जो जो हम इधर यहाँ पे हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो ये आउटपुट लेस देन हाफ साइकिल। देखो ये हाफ साइकिल अगर यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म होती है तो हाफ साइकिल, लेकिन ये यहाँ से शुरू होके यहाँ ही खत्म हो रही है। यहाँ से शुरू ऑपरेटिंग पॉइंट वाली लाइन से शुरू नहीं हुई और यहाँ खत्म नहीं हुई, इसका मतलब ये हाफ साइकिल है क्या? नहीं, ये लेस देन हाफ साइकिल है। और अगर हमें आउटपुट लेस देन हाफ साइकिल के लिए मिलता है तो हमें इसको इस क्लास को क्लास ऑफ एम्पलीफायर को बोलेंगे क्लास सी एम्पलीफायर। सो हमें करंट और वोल्टेज आउट वेवफॉर्म जो मिलेगा लेस देन हाफ साइकिल के लिए मिलेगा, लेस देन हाफ साइकिल के लिए मिलेगा। सो इफ वी गेट द आउटपुट फॉर लेस देन वन हाफ साइकिल, देन दिट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लास सी एम्पलीफायर। सो ये हो गया क्लास सी एम्पलीफायर। तो फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, क्लास सी एम्पलीफायर मतलब आउटपुट इज फॉर लेस देन हाफ साइकिल, क्लास ए बी एम्पलीफायर मतलब आउटपुट इज फॉर मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल, क्लास बी एम्पलीफायर इज आउटपुट फॉर हाफ साइकिल, क्लास ए एम्पलीफायर मतलब आउटपुट विल गेट आउटपुट फॉर एंटायर साइकिल, एंटायर कंप्लीट साइकिल और एंटायर फुल साइकिल। सो इस तरीके से प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल एम्पलीफायर क्लासिफिकेशन के ये चार टाइप्स याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन क्लासिफाई करते हैं चार कैटेगरी में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी। क्लास सी में ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ होता है तो आउटपुट हमें लेस देन हाफ साइकिल के लिए मिलता है। क्लास ए बी में ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ होता है तो हमें जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट विल गेट मोर देन हाफ बट लेस देन फुल साइकिल, यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। और क्लास ए बी में क्लास बी में ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ होता है तो हमें कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए हमें क्या होता है, हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है, दैट इज़ इन क्लास बी ऑफ एम्पलीफायर। और क्लास ए एम्पलीफायर में हमें जो भी आउटपुट मिलता है फुल साइकिल के लिए मिलता है। बस इतना याद रखो, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्यू पॉइंट, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, क्लास ए में एंटायर साइकिल, क्लास बी में हाफ साइकिल, क्लास ए बी में मोर देन हाफ बट लेस देन फुल, और क्लास सी में लेस देन हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of output signal we can classify, on the basis of Q point or the on the basis of output signal we can classify the amplifiers on in four categories, class A, class B and class AB and class C। इस तरीके से हमने classification पढ़ा। generally चार types के criteria होते classify करने के, on the basis of Q point ये important है, इसी पे मैं maximum 4 mark या 6 marks के लिए questions आता है। चार types याद रखने और चारों types के graphs याद रखने हैं। अगर ये 4 marks या 6 marks के लिए आया तो चारों का डिस्क्रिप्शन लिखना है, साथ में चारों के ग्राफ्स तुमको ड्रॉ करने हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ कहाँ दिया है वो तुम्हें ऑपरेटिंग पॉइंट अच्छे से ड्रॉ करना है और उसके सिग्नल अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्यू पॉइंट चार टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर स्टेज कपलिंग चार टाइप के होते हैं, आरसी कपल, ट्रांसफॉर्मर कपल, डायरेक्ट कपल, एलसी कपल। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ऑडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी, और यूजेस के बेसिस पे वोल्टेज, पावर एंड करंट एम्पलीफायर। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि एम्पलीफायर क्या है, एसी सिग्नल किस टाइप के दिखते हैं, फुल साइकिल, हाफ साइकिल, मोर देन हाफ, लेस देन हाफ के लिए। और हमने देखा कि एम्पलीफायर का बेसिक इंट्रोडक्शन कि एम्पलीफायर होता क्या है, जो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल को बढ़ाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। This is all about today's general principle of amplifier and their graphs on the basis of Q point. We have studied the classification of amplifier. अभी कोई question है तो पूछो, कोई query है तो पूछो, ठीक है।